हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर वन पर पुनः हाजिर हूं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। और यह नया वीडियो आपके लिए पुनः हाजिर है सॉल्यूशन पार्ट फोर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्ट एंड डिस्टेंस में विगत परीक्षाओं के आए हुए प्रश्नों पर। दोस्तों, आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो देखने से पूर्व उसका पार्ट वन जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट होता है उसे देख ले, उसके बाद ही अगर कोई वीडियो आप देखेंगे क्रम से तो आपको समझने में काफ़ी ही सहजता होगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हमारे दोनों असिस्टेंट मौजूद हैं, मिस्टर अविनाश जी फोटोग्राफी के तौर पर, मिस्टर विकास जी जो प्रस्तुत कर रहे हैं प्रश्न। तो मैं बिना प्रश्न लिखे हुए अथवा जहां नोटेशन जरूरी पड़ेगा मैं जरूरत के अनुसार सब बातों को बोर्ड पर लिख रहा हूं। आप बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक, बिल्कुल तन्मयता से इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं जो भी पार्ट बना रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस का और जो भी बनाकर अपलोड किया हूं, मेरा मानना है कि आगामी आने वाले परीक्षा में प्रश्न हूबहू या तो यही रहेंगे या तो इस पर आधारित रहेंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल कॉपी कलम लेकर तैयार हो गए होंगे, तो हम तैयारी के साथ आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इस वीडियो में जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड या सॉल्यूशन पार्ट फोर है इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या पहला लेकर हमारे विकास जी हाजिर हो चुके हैं, तो विकास जी पहला प्रश्न सुनाया जाए। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी, एक मीनार से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए दोस्तों, एक मीनार है तो यह मीनार जमीन के साथ एक क्षैतिज रेखा पर गड़ी होगी, और यहाँ पर माना कि यह माना क्या यह तो 90 डिग्री पर होता ही है, और यह मीनार जो है यह क्षैतिज रेखा पर किसी बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। उस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी तय करने पर प्राप्त बिंदु से इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर आगे अगर बढ़ा जाए, इट मींस यह डिस्टेंस दोस्तों आपको इस बिंदु से आगे आने पर यह 20 मीटर दिया गया है। इस चोटी का उन्नयन कोण पहले से 15 डिग्री अधिक है। समझा जाए दोस्तों, इस उन्नयन कोण जो उन्नयन कोण 30 डिग्री सा, उस 30 डिग्री से यहाँ पर 15 डिग्री अधिक है, इसका मतलब दोस्तों यह 45 डिग्री का एंगल होगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो प्रश्न है दोस्तों कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही आराम से इस प्रश्न को बना सकते हैं, पार्ट थ्री सॉल्यूशंस में भी इस टाइप का प्रश्न हमने दिखाया था, पार्ट टू में भी दिखाया था। तो अगर इस मीनार की यह संपूर्ण ऊंचाई को दोस्तों हम एच मीटर समझ लूं, तो 45 डिग्री एंगल के कारण यह कोण भी इस त्रिभुज में 45 डिग्री ही होगा, और ये 45 और ये 45, तो 45 डिग्री के सामने यूनिट वन होता है, और ये भी 45 के सामने यूनिट वन होगा, अर्थात ये अगर एच है तो ये भी एच के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो कोण 45 डिग्री होते हैं, बार बार चर्चा कर रहा हूँ, तो उसके लंब और आधार दोनों इक्वल समान या बराबर होते हैं। तो अगर यह एच मीटर मीनार है तो यह नीचे की भी दूरी एच मीटर ही होगी। अब दोस्तों समझें कि अगर हम या बीच वाला 45 डिग्री से बनने वाला त्रिभुज हटा लूं दिमाग से और 30 डिग्री से इस मीनार के साथ बना बड़े त्रिभुज पर चर्चा करूं, तो 30 डिग्री के सामने यूनिट अगर 1, तो यह संपूर्ण कोण दोस्तों 60 डिग्री होगा। एक कोण 30 डिग्री तो दूसरा 60 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की यूनिट होता है 1, तो 30 डिग्री के सामने यूनिट रखा 1, और ये 60 डिग्री के सामने यूनिट होगा या संपूर्ण नीचे का जो लेंथ है वह √3। तो अगर हम ऊपर में 1 और नीचे में √3 रखूं, तो 30 डिग्री के लिए 1, और 1 का मतलब दोस्तों h,
और यह 60 डिग्री के लिए दोस्तों रूट 3, जिसका मतलब h+20, और इस तरह मात्र ये लिखने से आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ सकता है। ऑप्शन ए सुना दिया जाए 17.3 मीटर, 17.3 मीटर। ऑप्शन बी 21.9 मीटर, 21 और ऑप्शन डी 21.9 मीटर। ऑप्शन सी 27.3 मीटर, 27.3 मीटर। ऑप्शन डी 30 मीटर, 30 मीटर। तो सारे प्रश्न या आंसर मीटर में ही दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, √3h और ये क्रॉस होना तो यही रह जाएगा एक होने के कारण, तो √3h में अगर मैं ये h इधर से ले आऊं तो ये बराबर 20 होगा। दोनों में कॉमन देख रहा हूँ h है, तो √3-1 बचेगा, जिससे अगर भागा लगा दूं तो ऊपर नीचे परिमेयकरण करने से या √3+1 से हम भागा देंगे नीचे में a-b a+b। दोस्तों a² 3 में 1 स्क्वायर 1 गया 2, 2 से 20 को काटूंगा तो यह 10 √3+1। यहां पर ऑप्शन देख रहा हूं, √3 में एक भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो √3 का मान अगर 1.732 होता है और उसमें 1 जोड़ दूं तो इसे 2.732 से गुना हो जाएगा, और इस तरह 32 या गुना अगर करूं तो 10 से गुना करने के कारण एक अंक सिर्फ आगे डेसिमल को बढ़ा देंगे और 27.32 मीटर। आप बहुत ही मजे में ऑप्शन बोल सकते हैं, जबकि ऑप्शन 27.3 ही रखा गया है, तो अप्रॉक्स उत्तर 27.32 या 27.3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन आ गया। दोस्तों फिर इस प्रश्न को एक बार पढ़ के समझा दूं कि एक कोई मीनार था, उस मीनार के आधार से या जल से क्षैतिज रेखा पर आगे किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। जब मीनार की ओर हम 20 मीटर आगे आते हैं तो उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है, अर्थात ये दूरी 20 मीटर मीनार के तरफ चलने पर यह 30 डिग्री से बदलकर 15 डिग्री ज्यादा, मतलब 30+15 = 45 डिग्री हो जाता है। तो प्रश्न था कि मीनार की ऊंचाई क्या है। दोस्तों मीनार की ऊंचाई अगर h मीटर समझ लिया तो यह छोटा सा पहला त्रिभुज में जब देखता हूं 45 डिग्री के एंगल में, तो ये 45 तो ये भी कोण आपका दोस्तों 45 ही रहा होगा, और 45 और 45 के सामने का यूनिट 1 होता है, अर्थात 1 अगर h है तो यह भी तो 1 h ही होगा। इसीलिए हम h और ये लेंथ नीचे वाला जो बेस है आधार है उसको भी एच का डाला, और इस तरह अब हम जब यह बड़े त्रिभुज की परिकल्पना करूं तो इसमें हम 30 डिग्री के सामने का यूनिट देख रहा हूं 1, और 60 डिग्री के सामने यूनिट जानता हूं √3। तो अगर 1/√3 का रेशियो ले लूं तो 1 के बदले में एच और √3 के बदले में नीचे का बेस h+20 रख दिया, क्रॉस गुना करने से √3 का एच से गुना √3h, और h+20 इधर वही रहेगा एक के कारण, एच इधर ले आया माइनस हो गया, 20 उधर छोड़ दिया, कैलकुलेट किया मेरा उत्तर 20.32 मीटर, जो ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। और दोस्तों मुझे विश्वास है इस मेथड के प्रयोग करके आप विदाउट साइन कॉस टेन किसी भी प्रश्न को बहुत मजे में दोस्तों बना सकते हैं। मैं प्रश्न दूसरा की तरफ बढ़ रहा हूँ, ज्यादा समय न गवाए हुए आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना सजेशन, अपना सुझाव, अपना मंतव्य, अपना कमेंट, लाइक डिसलाइक हमें करते रहें, ताकि मैं आगामी वीडियो काफी जोश जुनून उत्साह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ प्रश्न संख्या दूसरा, और मेरे विकास जी हाजिर हैं प्रश्न संख्या दूसरा लेकर। जी प्रश्न संख्या दो जी, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। देखा जाए दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों ये सूर्य
के समक्ष एक खंभा खड़ा है या गड़ा है जो 90 डिग्री पर ही होगा। और ये अभी जब सूरज की स्थिति कहीं थी तो इस खंभे की परछाई जो थी वो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इस बिंदु पर दोस्तों उन्नयन कोण 30 डिग्री मेजरमेंट किया गया, मापा गया। लेकिन जब यह 30 डिग्री से बदलकर यह 60 डिग्री हो जाएगा, तो आपको यह भी जानकारी दे चुका हूँ कि किसी भी मीनार, स्तंभ, पिलर, वृक्ष के समीप जो हम दूर से नजदीक आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण बढ़ता चलेगा। और इस तरह जब यह 30 डिग्री से बदलकर यह 60 डिग्री पर आएगा तो कहा गया है दोस्तों कि यह छाया 5 मीटर कम जाती है। तो यह छाया शुरू में जो आधार से 30 डिग्री तक के इस बिंदु पर था, ये छाया इतना दूर मान लीजिए कम गया, और इतना दूर का मतलब प्रश्न बोल रहा है कि 5 मीटर यह छाया कम गया। प्रश्न क्या है? तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? प्रश्न है दोस्तों कि इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। दिस इज अगेन सेम क्वेश्चन, और इस टाइप के प्रश्न को बहुत मजे में आप बना सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन ए 5√3/2 मीटर जी। ऑप्शन बी 2√3/5 ऑप्शन सी 2/5√3 ऑप्शन डी 4/5√3 और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पर हमें आज विचार करना है। बहुत ही मजे में इस प्रश्न का उत्तर आप ले सकते हैं दोस्तों। समझे, यह सात इतनी जो छाया 60 डिग्री के लिए है, इसको सपोज हम वाई मान लेता हूं। अब दोस्तों समझे, 60 डिग्री के एंगल के लिए अगर हम बात करूं तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने यूनिट अगर 1 तो 30 डिग्री के सामने यूनिट 1 रख दिया, और 60 डिग्री के सामने रेशियो में यूनिट √3 रख दिया, और 30 डिग्री के सामने हमारा भुजा बोल रहा है वाई, जो 1 यूनिट के बराबर होगा, और 60 डिग्री के सामने √3 के बदले में बोला गया है एच, तो यहाँ एच रख दिया, और सो वाई बराबर हम बोल सकते हैं दोस्तों √3 बन के एच मीटर, और इससे एक इक्वेशन मुझे फाइंड हो गया। अब जब 30 डिग्री के बात करूंगा तो 30 डिग्री के सामने की भुजा पुनः लिखेंगे 1, और फिर ये संपूर्ण एंगल तो दोस्तों 60 डिग्री हो जाएगा, या 30 डिग्री से जो समकोण त्रिभुज बना बन रहा है तो 30 डिग्री के सामने में ये भुजा लंब 1 यूनिट, तो ये संपूर्ण 60 डिग्री के नीचे का जो यह संपूर्ण भुजा होगा वह √3 होगा, और यह 1 के बदले एच, और ये √3 के बदले दोस्तों y+5 होगा। और इस तरह अगर बात करूं तो हम कह सकता हूं दोस्तों कि यह √3 से h का गुना √3h, अब बराबर y+5, अब y का मान तो दोस्तों √3/h मुझे पहले प्राप्त है, तो बराबर जो y+5 रखूंगा और y को इधर ही ले आऊं, तो y को लाने का मतलब √3/h को लाना है, और इस तरह उधर 5 मीटर बच जाएंगे दोस्तों, या फिर आपका क्रॉस गुना या इसको क्या कहते हैं भिन्न घटाव करेंगे तो यह 3h बन जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों यह √3h में अगर घटाऊं तो सही है, तो यह हो गया √3h से h का गुना। फिर से दोस्तों एक बार फिर समझाऊं कि 60 डिग्री के सामने यूनिट 1 और 1 के बदले में, यहाँ गलती हुआ, 30 के सामने का यूनिट 1, तो 60 के सामने √3 के लिए हमने रखा h, और इस तरह y बराबर हम बोल सकते हैं √3y/h, यही गलती हुआ दोस्तों, √3y/h, तो y/h/√3 होगा, और इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कैलकुलेशन हुआ, यहाँ √3/h रखेंगे, h/√3 रखेंगे, और इस तरह जब हम h/√3h रखूंगा तो √3 से √3 का गुना 3h,
3x में x जाएगा 2x और 2x बराबर दोस्तों बोलेंगे 5√3, इसीलिए x बराबर बोलेंगे 5√3/2 एंड दिस इज माय ऑप्शन और ऑप्शन नंबर मेरा देख सकते हैं आप ए ही बिल्कुल सही है और इस तरह प्रश्न आपका हल हुआ। एक बार फिर दोस्तों यहां कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हुआ था कि 60 डिग्री और ये त्रिभुज के लिए बात करूं तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने यूनिट होता है 1, लेकिन 1 बराबर है y का, 60 डिग्री के सामने यूनिट होता है √3, लेकिन √3 बराबर है h का, या दोनों रेशियो बराबर किया √3y बराबर h, तो y बराबर h बटे √3 रख दिया और इससे y मेरा फाइंड हो गया। अब जब हम यहाँ पर 30 डिग्री के लिए बड़े त्रिभुज में बात करूं तो यह 30 के सामने का यूनिट 1, लेकिन 1 के बदले दोस्तों h है और पुनः यह 60 डिग्री के लिए यूनिट √3, जिसके बदले में y प्लस 5 है, तो √3 के बदले y प्लस 5 है, √3 से h का गुना दोस्तों √3h बराबर y प्लस 5, आप यहाँ पर लिख दें √3h बराबर y प्लस 5 और y दोस्तों इधर लाऊंगा तो √3h माइनस y होगा और y का मतलब तो h बटे √3 मुझे प्राप्त है, इसका क्रॉस यहाँ पर अगर हम विघटन करूँ तो √3 से √3 का गुना 3h में h गया 2h, 5 का 5 √3 क्रॉस गुना 5 √3 h बराबर 5√3/2 और यह ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। दोस्तों मैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप मजे में प्रश्न 3 भी समझें जी। आज मैं दोस्तों एक टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू करा रहा हूँ और ऐसे प्रश्न के हल के लिए हमने पार्ट टू में एक प्रयोग दिखाया कि जब ये हाइट आपका 5 मीटर यहाँ बेस दिया होता है बीच के इस दोनों उन्नयन कोण की दूरी, और तब अगर आपसे h पूछता है तो आप यहाँ पर अगर 10 में 30 45 60 का मान याद रखें तो h का मतलब हम सीधा यहाँ का डिस्टेंस 5 और बटे cot थीटा 1 का मतलब cot 30 डिग्री और माइनस cot थीटा 2 का मतलब cot 60 डिग्री रख सकता हूँ और इस तरह h बराबर 5 cot 30 डिग्री का मान दोस्तों 10 30 का उल्टा होगा, 10 30 1/√3, cot 30 सीधा √3, cot 60 10 60 का उल्टा होगा जो माइनस 1/√3 होगा, √3 में √3 का गुना होगा तो यह भिन्न घटों में 3 में 1 गया 2 और यह √3 ऊपर चले जाएंगे 5√3/2। ऐसा भी इस टाइप के किसी भी प्रश्न को आप बहुत मजे में हल कर सकते हैं और इस तरह दोस्तों इस टाइप का कोई भी प्रश्न परीक्षा में देखते ही आप मजे में आंसर ले सकते हैं। मैं प्रश्न अगला 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3 जी। प्रश्न संख्या 3 जी, सूर्य का उन्नयतांक 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। समझे दोस्तों, सूर्य का उन्नयतांक 30 डिग्री से 45 डिग्री होने पर 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर सूर्य का उन्नयतांक 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर, मानिए कि यह 45 डिग्री था और इससे अगर यह 30 डिग्री बन गया तो 30 डिग्री दूर जाना पड़ेगा, 45 डिग्री नजदीक में रखना होगा। कोण जो उन्नयन या उन्नतांश कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वह बड़ा मान खंभे या पिलर या मीनार के नजदीक होता है और इससे जो दूर जाएंगे या थीटा का वैल्यू घटता जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन घटते जाएंगे। प्रश्न एक बार फिर सुनाइए। सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है, तो दोस्तों अगर यहाँ तक ये छाया सपोज पहले y था
तो यह 60 मीटर बढ़ने का मतलब ये छाया इंक्रीज करके 60 मीटर आगे और बढ़ गए। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? तदनुसार इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, हाइट आपसे पूछा गया है। दिस इज द सेम क्वेश्चन एंड दिस वीडियो विल प्रेजेंट यू द सेम रिपीटेड क्वेश्चंस बाय द डिफरेंट लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज के द्वारा प्रश्न को डिफरेंट मोड में प्रस्तुत करता है, लेकिन आप गौर करेंगे सारे प्रश्न एक ही हैं। इसीलिए यह थोड़ा देर का वीडियो जो मैं 5 प्रश्नों के साथ आज प्रस्तुति में हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल आप रूबरू हो जाए। अगर दोस्तों यह 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही डिग्री होगा, और इस तरह यह एच है तो यह वाई भी तो एच के बराबर ही हो जाएगा। यह दोनों यूनिट 1 होने के कारण 45 के सामने 1 यूनिट एच, तो ये भी 45 के सामने 1 यूनिट एच। अब 10-30 वाला त्रिभुज से जब हम पूरा यह त्रिभुज में 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री के सामने यूनिट लेंगे तो 1 होगा, और यह संपूर्ण एंगल तो दोस्तों यह 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री के सामने यूनिट में रूट 3 होंगे और 1 बराबर हो रहा है एच का, और यह 60 डिग्री बराबर में दे रहा है वाई प्लस 60 या एच प्लस 60 का। आराम से रख लें, ऑप्शन दे दिया जाए 20 × √3 + 1 meter. 20 × √3 + 1 meter. ऑप्शन बी 24 × √3 + 1 meter. √3 + 1 meter. ऑप्शन सी 30 × √3 + 1. √3 + 1. ऑप्शन डी 30 × √3 - 1. √3 - 1. कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे यह √3 से h का गुणा √3h, और h इधर से लाऊं तो माइनस एच बराबर 60 बचेंगे। दोनों में कॉमन अगर एच ले लूं तो यह 60/√3 - 1 होगा, जिससे ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर दूं तो नीचे में यह कैलकुलेशन 2 देगा। 2 से 60 को काटने पर यह 30 होगा और √3 + 1 कॉमन रहेंगे, और ये आपका ऑप्शन 20 × √3 + 1 ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन 30 × √3 + 1 दोस्तों ए नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 30 × √3 + 1। और इस तरह इस प्रश्न को अगर आप चाहते तो यह एच फाइंड करने के लिए यहाँ का डिस्टेंस 60 बटे cot थीटा 1 cot 30 डिग्री √3 माइनस cot 45 डिग्री 1 रख देते, और ऊपर नीचे अगर हर का परिमेयकरण करते तो आपका यह उत्तर वास्तव में यही 30 × √3 + 1 यहाँ से 2 से 60 कट कर आ जाता। और इस तरह यह दोनों विधियाँ ऐसे प्रश्नों के लिए काफ़ी उपयोगी हैं जिसे शायद आप बिल्कुल ही समझ ही नहीं गए होंगे, बल्कि जीवन में उतार लिए होंगे। दोस्तों मैं प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या चार पर मैं विचार कर रहा हूँ, 4 नंबर क्वेश्चन जी। प्रश्न संख्या 14 जी प्रश्न संख्या 4 जी, भूतल से भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान उसी क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर पर उड़ता है। भूतल से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ 5000 मीटर भूतल से 5000 मीटर हाँ की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान उसी क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर उड़ता हुआ है। उसी क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। उसी क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है, ठीक है। और तब समझिए 5000 मीटर का कोई ऊपर में सपोज यहाँ पर विमान उड़ रहा है, ये संपूर्ण दोस्तों जो हाइट है यह संपूर्ण हाइट है आपका 5000 मीटर जी। सुनाया जाए शुरू से हाँ शुरू से क्वेश्चन।
भूतल से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान उसी क्षण एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है और तब ऊर्ध्वाधर तह ऊपर उड़ता है। चलिए जी, और तब रुके 5,000 मीटर के ऊंचाई पर कोई विमान यहाँ उड़ रहा है और उसी क्षण वह विमान किसी अन्य विमान के ऊपर उड़ रहा है, तो समझिए यह भी कोई विमान है जिसके ऊपर भी यह विमान उड़ रहा है और यह ऊपर वाला विमान का जो हाइट है वह भूतल से 5,000 मीटर ऊपर है। जी, और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाते हैं। और इसी क्षण अगर भूतल पर कहीं पर एक बिंदु लिया तो यहाँ पर इन विमानों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाते हैं। अब समझिए, तो 45 डिग्री वाला तो यह छोटा वाला कोण होगा और ये 60 वाला जो कोण होगा दोस्तों यह 45 डिग्री का एंगल होगा और यह बड़ा वाला जो कोण है वह 60 डिग्री होगा। प्रश्न क्या है, उन क्षण दोनों विमानों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? अब आपको पता करना है दोस्तों कि इन दोनों विमानों के बीच की ये ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है जिसे हमने सपोज x मान लिया। ऑप्शन ए 5,000 × √3 − 1 मीटर। 5,000 × √3 − 1 मीटर। ऑप्शन बी 5,000 × √5 − √3 मीटर। 5 − √3 मीटर। ऑप्शन सी 5,000 × √1 − √3 मीटर। 1 − √3 मीटर। ऑप्शन डी 4,500 मीटर। 4,500 मीटर सारे मीटर में। प्रश्न मैं फिर समझाऊं दोस्तों, भूमि तल से 5,000 मीटर ऊपर यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया एक विमान उड़ रहा है और उसी क्षण यह विमान किसी अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर तक ऊपर है, माने ठीक हॉरिजेंटली या ऊपर में परपेंडिकुलरली यह उड़ रहा है। अब है कि इसी क्षण जब यह ठीक ऊपर में इस विमान के है, माने ऊपर वाला विमान के जस्ट नीचे कोई विमान है, तो इन विमानों का जो उन्नयन कोण है वह जमीन पर किसी बिंदु पर 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ऊपर वाला का जो कोण उन्नयन बनाएंगे और यह नीचे वाला विमान का उन्नयन कोण बनाएंगे, तो दोस्तों क्लियर है कि नीचे वाला यह एंगल अगर 45 होगा तो ऊपर वाला विमान का यह एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों विमानों के बीच की यह दूरी आखिर क्या है, तो हमने इसे एक्स मान लिया। दोस्तों गौर करें, अगर इस हाइट को यदि हम नीचे में गौर करें कि इसकी ऊंचाई या बेस अगर मैं सपोज वाई मान लूं, तो ये 45 डिग्री होने के कारण दोस्तों ये एंगल तो चूंकि 45 है, तो यहाँ से जो इस विमान का नीचे वाला विमान का हाइट होगा इसके लिए भी तो यह एंगल 45 ही होगा और 45 और 45 के सामने के यूनिट 1 बराबर होते हैं, तो इस लेंथ को दोस्तों हम y ही कहेंगे। अब अगर इस लेंथ की बात करूं जो हम x की चर्चा कर रहा हूं, तो यह x का मतलब दोस्तों हम 5000 संपूर्ण हाइट जो मेरा 5000 है इसमें से इस y को घटा दो तो यही तो मेरा x है और 5000 − y मुझे फाइंड करता, कुछ भी नहीं है। अगर 60 डिग्री की बात करूं तो इसके सामने मैं देखूं तो यह संपूर्ण हाइट दोस्तों मेरा 5000 है, तो संपूर्ण हाइट यदि 60 के सामने 5000 है तो 60 के सामने √3 होता है और इसके लिए सामने में 5000 रखा और जब यह संपूर्ण एंगल 60 लिया तो ऊपर का ये एंगल तो 30 होगा और इसके सामने यूनिट होगा 1, तो नीचे अगर रेशियो 1 बनाऊं तो इसके नीचे दोस्तों y होगा और इस तरह √3y = 5000, तो y बराबर दोस्तों 5000 / √3 बोलेंगे और हमें x फाइंड करना है
और x का मतलब दोस्तों है 5000 और माइनस y यही ना बीच की दूरी है, और y अगर इसमें से घटा दूं तो यह 5000 बटे √3 होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो यह 5000 √3 माइनस 5000, 5000 अगर कॉमन ले लूं दोस्तों तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 बटे √3 और आपका ऑप्शन वास्तव में सी दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा इसे अगर हम भिन्नों को अगर इस भिन्न घटाव के सरलीकृत मान को छितरा दूँ स्प्रेड कर दूँ स्प्लिट कर दूँ तो यह 5000 इंटू √3 बटे √3 और दोस्तों ये माइनस 1 बटे √3 का केस होगा, यह √3 जब कट जाएगा तो दोस्तों 5000 और इंटू यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बटे √3 और आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सी करेक्ट आ गया और इस तरह यह प्रश्न बिल्कुल सही और सत्य हो गया। काफ़ी ही सुंदर SSC CGL में पूछा हुआ प्रश्न था, जिससे बिना कुछ देर किए मैं बड़े मज़े में इस प्रश्न का उत्तर ले सका, और आप प्रयास करेंगे तो इससे भी आप सॉफ्ट काम कर सकते हैं और क्विक एंड फास्ट प्रश्नों का दोस्तों उत्तर ले सकते हैं। प्रश्न को एक बार फिर समझा दूं, अच्छा प्रश्न है कि भूमि तल से 5000 मीटर ऊपर कोई विमान उड़ रहा है, अर्थात ये संपूर्ण डिस्टेंस दोस्तों 5000 मीटर हो गया, और उसी क्षण यह विमान के नीचे कोई विमान है जिसके ठीक ऊर्ध्वाधर व ऊपर में विमान उड़ रहा है, और तब जाकर के जब दोनों विमान ऊपर नीचे इस प्रकार परपेंडिकुलरली सेम हाइट पर आ गए, तब कहता है प्रश्न कि भूमि तल पर किसी बिंदु से इन विमानों द्वारा बनाया गया 49 कोण एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो नीचे वाला विमान अगर 45 डिग्री बनाएगा तो ऊपर वाला यह कोण बड़ा होने के कारण 60 डिग्री बनेगा, और तब 45 के सामने अगर इस त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज में जो विमान नीचे है इस त्रिभुज का कल्पना करो तो ये 45 दोस्तों तो यह भी 45 डिग्री होगा और इसके ठीक सामने के यूनिट 1 या बराबर होंगे, अर्थात अगर ये y होगा तो ये भी तो दोस्तों y ही होगा, और इस तरह मेरा y फाइंड हो गया। बीच का डिस्टेंस अगर ये x समझ रखा था तो x का मतलब संपूर्ण है 5000 में से ये y अगर घटा दूं तो यह दोनों विमानों के बीच की दूरी निकल आएगी, और इस तरह जब हम 1060 का बात किया तो इसके सामने का यूनिट रखा √3 और ये संपूर्ण एंगल तो 30 डिग्री के होंगे, जिसके ठीक सामने का यूनिट होगा 1, √3 शो कर रहा है दोस्तों हमारा, देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक का यह डिस्टेंस 60 के सामने √3 शो कर रहा है 5000 का, और यह 30 डिग्री के लिए 1 यूनिट शो कर रहा है y का, और इस तरह हम y बराबर 5000 बटे √3 फाइंड कर लिया, और जब हमें x फाइंड करना था या बीच का डिस्टेंस तो वह तो 5000 में y घटाने से ही प्राप्त होगा, 5000 में y का वैल्यू घटा दिया, कैलकुलेशन किया और ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल ही सही और सत्य आया। दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों को बारीकी से आप समझ गए होंगे और आगामी परीक्षा के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बखूबी बहुत मजे में हल करने में सक्षम होंगे। विकास जी तैयार है आज के वीडियो क्लास का यह अंतिम प्रश्न लेकर दोस्तों, जिससे मैं आपके नजदीक आपके समक्ष हाजिर कर रहा हूँ। जी प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 जी सुनाइए। यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो, एक सड़क के किनारे दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से, देखिए दो शिला या दो पत्थर समझिए यहाँ है, और इसके बीच की दूरी क्रमिक दूरी दोनों शिलाओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, और यहाँ पर दोस्तों गुब्बारा ऐसा उड़ रहा है और इन उन्नयन कोण बोला गया है,
30 डिग्री तथा 60 डिग्री। तो आपको तुरंत 60 डिग्री यहाँ रख लेना चाहिए और 30 डिग्री यहाँ रख लेना चाहिए। कोण बड़ा वो निश्चित ही नज़दीक में होगा, कोण छोटा वह निश्चित ही दूरी में होगा। अब आगे बढ़ाइए। तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी? अब ये ऊंचाई अगर आपको h फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, h बराबर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन ए दे दिया जाए, √3/2 किलोमीटर, √3/2 किलोमीटर। ऑप्शन बी 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर। ऑप्शन सी 2/√3 किलोमीटर, 2/√3 किलोमीटर। ऑप्शन डी 3√3 किलोमीटर, 3√3 किलोमीटर। दोस्तों कुछ भी नहीं है, अगर h डायरेक्ट निकालो तो यह बीच का डिस्टेंस एक रख देंगे, नीचा में cot 30 cot 60 का मान घटाएंगे, cot 30 का मान होगा √3, cot 60 का मान होगा 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में √3 में से एक गया दो, √3/2 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही और सत्य आ जाएगा। और मेरा मानना है कि इस टाइप का कोई प्रश्न आप एच निकालने के लिए इस बीच का डिस्टेंस जो डी किलोमीटर या डी मीटर जो भी डिस्टेंस होता है वह रख दें और नीचे में दोस्तों कॉट थीटा 1 में से अगर कॉट थीटा 2 घटा दें तो आपका आंसर बड़े मजे में आ जाता है। जैसा अभी भी आपको विद इन सेकेंड 5 सेकेंड से कम नहीं, यह तो प्रश्न देख कर ही आप ऊपर में इतना समझेंगे जो बीच का डिस्टेंस है और ये cot 30 cot 60 घटाना मौखिक क्रिया हो सकता है और आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं दोस्तों। और इस तरह आज का मेरा यह क्लास 5 प्रश्नों के साथ समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद लगा होगा, पसंद आए लाइक और कॉमेंट करना नहीं भूलेंगे, अगर पसंद न आए तो डिसलाइक करना भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही अगर मेरा वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल आप देखने की तमन्ना रखते हो, आगामी बहुत सारे चैप्टर्स जो मैथ और रीजनिंग में आने वाले हैं, तो आप बिना देर किए हुए अपने मोबाइल में एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप पर जाए। दोस्तों जाते जाते मैं पर डे अपने कोचिंग के संचालक श्री श्री राजू जी का मैं नंबर बोर्ड पर लिख दिया करता हूं, तो श्री राजू जी का नंबर आपके साथ हाजिर है 9934849798 9934849798। और इस नंबर पर आप किसी भी प्रकार का वॉइस कॉल या व्हाट्सएप से मैसेज माध्यम से कोचिंग संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी ले सकते हैं। आज के क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, अलविदा। बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच।